सो so, then आई started एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म और मिनिमल लिविंग आई थिंक इसके दो एस्पेक्ट्स हैं एक तो है इसका फिजिकल एस्पेक्ट कि थ्रू आउट द ईयर तो, थ्रू आउट आर लाइफ सॉरी हम इतनी चीज़ें एक्यूमुलेट करते हैं इतने सारे कपड़े इतने सारे जूते इतने सारा सामान जो हमें लेके नहीं जाना एट एनी पॉइंट इन टाइम और हम रियलाइज़ नहीं करते कि समटाइम्स मोर एंड मोर मेटीरियरियल थिंग्स हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाती नहीं है अगर हम अपने घर को और अपने अपने फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल इन्वायरमेंट को डी क्लटर करें फॉर एक्ज़ाम्पल अगर हमारे पास इवन इन हर किचन हमारे पास तीन डाइनिंग सेट की कोई ज़रूरत नहीं है जब एक से काम चलता है सो mm. मिनिमलिज्म so, minim, का एक फ़िजिकल एस्पेक्ट है कि आप अपनी मटीरियल पोजिशन पोजिशन को कम करें टू द पॉइंट कि आप आपके खूबसूरत और बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करें आपको बिकॉज आफ्टर ऑल यू स्टार्ट रियलाइजिंग मोर थिंग्स आर नॉट ब्रिंगिंग मोर हैप्पीनेस इन टू माई लाइफ इसके रिज़ल्ट आपकी एक सस्टेनेबल लाइफ भी होती है यू you नो know, आपके पैसे भी ऑप्टिमाइज होते हैं एंड आप आपकी डिसीजन मेकिंग फटीक भी कम हो जाती है फॉर एग्जांपल अगर मेरे अलमारी में 500 कपड़े हैं तो मुझे 500 सौ करनी पड़ेंगी बिफोर आई डिसाइड व्हाट टू वेयर अगर मेरे अलमारी में दस कपड़े हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक डिसीजन फटीक वहीं पर कम हो गया एंड इसके साइंटिफिकली एनालाइज बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ऑफ मिनिमल लिविंग नॉट ओनली ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है ऑब्वियसली आपके पॉकेट के लिए अच्छा है मगर साइकोलॉजिकली मेंटल जो होता है कॉन्फ्लिक साइकोलॉजिकली जो अगर चीज़ें मैसी नहीं होंगी कम होंगी हमारे घर में ऑटोमेटिकली वो एक सेंस ऑफ जेन एक जापानीज कॉन्सेप्ट है ना जेन एक सुकून देता है सो आई थिंक दैट इज़ वन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड आई थिंक हमारे पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में आई थिंक चीज़ें जमा करना लोगों को बहुत शौक है यू नो you know, ये मेरे क्लास फाइव की बुक्स हैं अभी तक पढ़ी हुई हैं लाइक mm. like, किसी को डोनेट कर दो किसी के काम आ जाएगा एंड दैट इज़ वन थिंग आई एम प्रैक्टिसिंग इन द अगर आप शायद बिलीव ना करें तो मैंने पिछले जो छः आठ महीने से इसको एक्टिवली प्रैक्टिस किया है मैंने कोई शॉपिंग नहीं की आई हैव बॉट क्लोथ्स आई हैव बॉट शूज़ यू आम ट्राइंग टू यूटिलाइज वॉट आई हैव एंड ऑल्सो डोनेट वॉट आई डोंट नीड मैं अपना मोस्टली अगर जो जो खर्चे होते हैं आपके यूटिलिटी बिल्स में होते हैं या खाने पीने ग्रोसरीज़ में होते हैं एंड आई थिंक एक और एक चीज़ आपको इनक्रेज करता है कि आपके पास जो भी चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है ना आप वो डोनेट कर दें एंड बिलीव मी चीज़ें डोनेट करने भी थेरेप्यूटिक है एक तो किसी का भला हो रहा होता है बट आपको खुद लगता है कि जब आपके अराउंड फिज़िकल क्लटर नहीं है ना आपका मेंटल क्लटर भी सॉर्ट ऑफ कम हो जाता है दूसरी अदर एस्पेक्ट ऑफ मिनिमलिज्म इज इंटरनल कि आप अपनी लाइफ को सिम्प्लीफाई करें मनी टाइम्स आई थिंक बहुत सारे हम एक फजूल का प्रेशर ऑफ ओवर अचीविंग अपने आप पे डालते हैं फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ये भी करना है मुझे आ, मुझे अपने जॉब में ये भी करना है मुझे अपने पर्सनल लाइफ में ये करना है मुझे सारी पार्टी अटेंड ते करनी है मुझे इंस्टाग्राम के एक मिलियन फॉलोअर्स चाहिए एंड आई फील कि हम इतना इतने सारे प्रायोरिटीज़ और प्रेशर अपने आप पे डाल देते हैं दैट मेंटली भी इट ऑक्यूपाइज अस सो अनदर पार्ट ऑफ मिनिमलिज्म ये भी है कि आप अपने लाइफ गोल्स को स्ट्रीमलाइन करें इंटू टू थ्री इम्पोर्टेंट थिंग्स विच रियली मैटर जैसे अल्टीमेटली आपके आपके लाइफ में क्या रह जाना है आपके अमाल हैं आपकी फैमिली है आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं सो आई थिंक कि आपका एंड गोल माइंड में रखते हुए आप रियलाइज़ करते हैं कि शायद इतने सारे लाइक्स और कॉमेंट्स डोंट रियली मैटर यू नो अनलेस मे बी दे मैटर फॉर यू इफ यूर मोनिटाइजिंग इट बट मैं एक नॉर्मल एवरेज पर्सन की बात कर रही हूँ इज नॉट अ ब्लॉगर और नॉट अ यू नो मे बी गोइंग टू ऑल दी सोशल इवेंट्स डोंट रियली मैटर सो आई थिंक कि आप हर एक चीज़ को ज़रा एक परस्पेक्टिव में डालते हैं एंड इट सिम्प्लीफाइज योर लाइफ सो फॉर मी आई फेल्ट कि मुझे बहुत हेल्प किया है बिकॉज आई टैन टू आई वो ऑलवेज बिन सम वन जो अपने आप पर मैंने अपने बहुत प्रेशर डाला है कि रूच तो मैं ये भी करना है यू गॉट टू बी अ गुड स्टूडेंट यू गोट टू बी अ गुड वर्कर यू गोट टू बी अ गुड रेलेटिव यू नो यू गॉट टू बी अ गुड डॉटर एंड देन यू रियलाइज के ओ माई गॉड आई रियलाइज के आप अपने आप पर इतना प्रेशर डाल के यू बींग अ लिटिल अनकाइंड योर सेल्फ यू नो गिव योर सेल्फ अ ब्रेक एंड उस सिर्फ उन चीज़ों पर प्रायोरटाइज करें जो आर एक्चुअली नेसेसरीमेटली एंड में दो तीन चीज़ें ही रह जाती हैं तो वैन यू स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी एंगजाइटी लेवल्स भी कम होंगी यू नो यू विल काम डाउन एंड फिर अचानक से जो चीज़ें आप शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाते थे क्योंकि आप इतने रश में लगे रहते थे mm. वो चीज़ें आपके सामने आती हैं कि ओके आई कैन अप्रिशिएट दिस नाउ सो दैट इज़ वट दैट इज एन अट शेल वॉट इट इज़